बिहार के गया जिले में सेना के जवान शहीद पुरुषोत्तम कुमार को अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इस मौके पर हजारों लोग मौजूद थे। वही संविधान बचाओ मोर्चा के सह संयोजक सतीश कुमार ने कहा कि उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और सरकार से शहीद के परिवार को सारी सुविधा उपलब्ध कराने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि सच्चा देशभक्त वही है जो हाथों में तिरंगा लिए देश की रक्षा करते हुए अपनी जान को कुर्बान कर देता है। आज हम लोग इस संविधान बचाओ मोर्चा जो पिछले 23 दिन से अनिश्चितकालीन धरना पर है, तो इसी गया शहर का सुपुत्र जो 13 तारीख को भूसंखलन में कुपवाड़ा में जिनकी जो शहादत को अपने प्राप्त हुए, तो उनका कल दाह संस्कार हुआ है। तो हम लोगों ने संविधान बचाओ मोर्चा में आए हुए तमाम जो साथी हमारे हैं, हम सभी लोगों ने उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और कैंडल जलाकर के 2 मिनट का मौन व्रत रखकर उनके प्रति हम लोग अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और साथ ही साथ हम इस मंच से के माध्यम से सरकार से भी हम मांग करते हैं कि उनके परिवार को तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक शहीद के परिवार को मिलता है। उनके बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए। और बड़ा दुख की बात है कि अभी तक कोई परिवार का आला मंत्री या मुख्यमंत्री को उनके सब यात्रा में शामिल होना चाहिए था, जो नहीं हो सका। तो ये सिर्फ राष्ट्रभक्ति का चोला ओढ़े हुए हैं, लेकिन जब सचमुच में जब परीक्षा की घड़ी आता है तो राष्ट्रभक्ति कहीं से इनको नहीं दिखता है। तो सचमुच में जो आज सड़क पे जो लोग हैं, जो तिरंगा लेकर के संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वही सचमुच में इस देश भक्त है, वही सचमुच में वो शहीदों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि रखते हैं।